हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन की गुलमोहर बुक ऑलरेडी अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू चेक आउट क्वेश्चन आंसर सो लेट्स बैटोली हायरिंग द मास्टर आर्टिस्ट लिबाई हु इज़ अबाउट टू रिटायर इन द मंथ ऑफ मे सो ये स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर मिस्टर बैटोली जो है जो कि एक इटालियन पेटर्न हैं वो लिबाई जो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं उनको हायर करते हैं अपनी एक पोर्ट्रेट बनवाने के लिए जो कि एक्चुअली एक मतलब मे मंथ में, में रिटायर होने वाले हैं लिबाई इज़ हाईली रिकमेंडेड बाई बैटोलीज फ्रेंड तो बैटोली के जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि ये बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है तो मैं इन्हीं से पोट्रेट बनवाना चाहिए The artist agrees to make the uh, portrait. This is portrait.

So, जब भी बार्टोली पूछते हैं कि कैसी चल रही है पेंटिंग और तो ही पेंटिंग अच्छी जा रही है और फिर वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने उस उन्होंने उस टेक्निक को अप्लाई किया जहां पे फोर लेयर्स लगते हैं लाइम प्लास्टर के और it is like for life, लेकिन बट वेन बार्टोली सीज द पोट्रेट ही पोर्ट्रेट एट ऑल एक्चुअली सो जब बाटोली अपना पोर्ट्रेट देखते हैं तो ही इज़ इनरेज्ड मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज ही डजेंट लाइक हिज पोर्ट्रेट एट ऑल क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो आर्टिस्ट जो थे हमारे लब्बा ने जो टेक्निक यूज किया था दैट वॉज क्यूबिज्म एंड उस वक्त लाइक वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था वो पर्टिकुलर आर्ट विच गॉट पॉपुलर वेन पिकासो स्टार्टेड इट ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड ईयर्स लेटर

From a very young age, सि had trained under the famous teacher and felt he had a duty to his teacher. So सो ये हमें कैसे पता चलता है जब वो ये लाइन कहते हैं At the age of eight, I was apprenticed to the great एम्ब्रोजियोल लॉरेंस सिटी आई वुड नेवर डिसऑनर हिज नेम तो आपको यहाँ बताया गया है आपको सिर्फ ये बताना है कि टेक्स्ट में कौन सी लाइन्स हैं जो इन चीज़ों को मतलब एक्नॉलेज करती हैं So, जैसे यहाँ पे है आपके पास सेकेंड लिबाई वॉज हिमसेल्फ अ फेमस एंड फिगर सो लिबाई वॉज अ फेमस आर्टिस्ट बट वॉज येट टू पेंट एक्जैक्टली एज ही विश्ड वो एक फेमस आर्टिस्ट थे लेकिन उन्होंने अपने मन से कभी पेंट नहीं किया था जो वो एग्जैक्टली exactly पेंट करना चाहते थे All through his career of 45 years, Libai had longed to paint in his own way. Then the last one is Libai was ahead of his time. He had imagined and appreci appreciated what would become popular much later. सो वो हमेशा अपने टाइम से अहेड थे जो उसमें लास्ट लाइन बोली है वो इस चीज को पेंट करते तो शायद बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता उनको नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ही पोज बिकॉज माई मेमोरी इज एक्सलेंट ये उन्होंने जब कहा डू रीजन अदर देन दैट ही हैड अ गुड मेमोरी वाई लबाई स्टॉप हिम टू पोज फॉर हिम लाइक लाइक ही टोल्ड हिम दैट नो यू डोंट हैव टू सो हैबाई ने एक तो बोला ठीक है मेरी मेमोरी बहुत अच्छी दूसरी चीज अगर वो पोस्ट कर रहे होते तो उन्हें पोर्ट्रेट देखना पड़ता तो इसीलिए उन्होंने उसे पोस्ट करने से ही मना कर दिया क्योंकि वो क्यूबिज्म पेंटिंग करना चाह रहे थे

This was a perfect opportunity to paint a portrait according to his own new ideas without any restraints. ये एक perfect opportunity थी उनके पास जहाँ पे वो अपने हिसाब से एक बड़ी सी space में अपने new ideas से के साथ painting कर सकते थे without any restraints मतलब without any uh, bondages. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाई अकॉर्डिंग टू लिबाई वॉज द पेंटिंग टेकिंग सो लॉन्ग ये पेंटिंग को लिबाई के अकॉर्डिंगली ये पेंटिंग इतना टाइम क्यों ले रही थी बिकॉज वो जो थे उसमें बॉन फेस्को का जो मेथड uh, है टेक्निक है वो यूज़ कर रहे थे जिसमें यू हैव टू यू नो यूज़ फोर लेयर्स ऑफ लाइम प्लास्टर प्लस इट कैन नॉट बी डन वेरी क्विक एंड ऑल जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था हम उसी चीज़ को इस आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लिबाई द पेंटिंग वॉज टेकिंग लॉन्ग बिकॉज ही वॉज डूइंग ऑल दैट हिस्स मास्टर हैट टॉट हिम सो लिबाई ने बताया कि वो पेंटिंग इसीलिए इतना टाइम ले रही है क्योंकि वो हर कुछ कर रहे हैं जो उनके मास्टर ने उन्हें सिखाया था ग्राइंडिंग पिगमेंट्स लिंग प्लास्टर एंड पेंटिंग स्लोली तो किस तरीके से पिगमेंट को ग्राइंड करना चाहिए टू मेक द कलर एक एक प्लास्टर को कैसे ले करना है एंड पेंटिंग स्लोली आफ्टर ऑल अ मास्टर पीस टुक समाइम टू मेक क्योंकि मास्टर पीस को टाइम लगता है बनाने में he also told bartoli that he was fortunate that lebay was painting his portrait usne bartoli ko ye bhi kaha ki aap bahut fortunate ho ki main aapki portrait ko paint kar raha hu he said that he was giving it the best plaster process he had ever seen so, यहाँ पे plaster दो बार लिखा हुआ है तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये भी कहा कि वो best plaster process दे रहे हैं जो उन्होंने बताया था ना कि four layers of lime plaster कर रहे हैं और वो जो है इट विल बी देयर फॉर लाइफ तो उस तरीके से वो उस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं उस प्रोसेस को बहुत ही डिलीजेंटली कर रहे हैं दैट इज़ वाई इट इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम ओके नाउ द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड द मास्टर पीस टेक मास्टर पीस को टोटल कितना टाइम लगा एंड डू यू नो वाई सो द मास्टर पीस टुक हाफ अ ईयर विच इज सिक्स मंथ्स लिबाई वॉज डूइंग समथिंग न्यू गिविंग हिज मास्टर पीस अ क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन लिबाई जो था वो कुछ नया कर रहे थे और वो एक क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन दे रहे थे जिसमें जो जोमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं उसको देखते हुए पेंटिंग की जाती है

How was Bartoli feeling at this point? How did he express his feelings? So The moment he saw the portrait, he was extremely angry. Why? Because he did not like the portrait at all. It was uh, a different type of painting which didn't look beautiful. So Giuliano Bartoli was enraged. He was very, very furious. Bohatza was angry. He stood there for a minute, his mouth fell open, his eyes turned red. उन्होंने अपने बाल नोच लिए उन्होंने स्पेल मेरा ऐसा लग रहा था किसी ने उनदू कर दिया और ऐसे देख रहे थे वो सो ही वॉज एक्सट्रीमली एंग्री दिस इज हाउ वी हैव शेयर द इंफॉर्मेशन यू आर नॉट एन आर्टिस्ट मे बी अ थी मैड मैन

आधे साल से मतलब सिक्स मंथ से रह रहा है एंड हैड नॉट येट ड्रॉन अ डिसेंट पोर्ट्रेट ऑफ सिनो बार्टोली और सीन, मतलब जो मिस्टर बार्टोली हैं उनका उसने एक अच्छा पोर्ट्रेट भी नहीं बनाया सिक्स मंथ से वो उनके एक्सपेंस पे रह रहा है एंड दैट इज वाई ही कॉल्ड अ चीटर और अ मैन ओके सस्पेंस इज़ दी एक्साइटमेंट और एन्जाइटी दैट वी फील वेन वी वेट टू नो समथिंग गो फॉर समथिंग टू हैपन हमें पता है सस्पेंस क्या होता है एक एंगजाइटी होती है एक एक्साइटमेंट होता है जो हमें लगता है कि जो होने वाला है बट हमें उसके बारे में पता नहीं है उस चीज़ के बारे में जो वो एक्साइटमेंट होता है दैट इज़ नॉन एज सस्पेंस

स्टोरी में सस्पेंस है बिकॉज़ हमें नहीं पता कि क्या ड्रॉ किया है द रिच मंथ्स जो वो जो बार्टोली थे मिस्टर बार्टोली जो पेट्रन थे जो रिच पेट्रन थे खुद उनको सिक्स मंथ्स वेट करना पड़ा बिफोर ही गॉट अ ग्लिम्स ऑफ वॉट हिज पोर्ट्रेट लुक लाइक बिफोर ही गॉट अ ग्लिम्स मतलब इससे पहले कि वो एक झलक देख पाते कि उनकी पोर्ट्रेट कैसी दिखाई दे रही है उनको कितना टाइम वेट करना पड़ा सिक्स मंथ्स वेट करना पड़ा दिस स्टोरी फीचर्स सस्पेंस एज वी हैव टू वेट टू फाइंड आउट वॉट एट द एंड वेन वी अंडरस्टैंड वॉट हैपेंड एंड वाई वी फील अ लॉट ऑफ मिक्सड इमोशंस एट ऑल ऑल एट वन टाइम अ फीलिंग ऑफ शॉक बिकॉज द पोर्ट्रेट वॉज कम्पलीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट वॉज बी बट एट द सेम टाइम वी वर हैप्पी फॉर द

In, on, at, of, जो कि नाउन को किसी भी मतलब पोजीशन से पोजीशन ऑफ़ नाउन बताते हैं या उसको बाकी सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। We have learned that these words are prepositions. They show the relationship between a noun or a pronoun and other words in a phrase or a sentence. और ये जो होते हैं, these are the most common uses of prepositions within a phrase. अब क्या होते हैं? Preposition use क्यों किए जाते हैं? किसी भी चीज़ की प्लेस या पोजिशन बताना जैसे कि इन माई हैंड ऑन माई हैंड मैं प्लेस बता रही हूँ टाइम और ड्यूरेशन बताना है लाइक एट नाइन ओ क्लॉक ऑन नाइन्थ ऑफ नवम्बर अगर किसी चीज़ का पर्पज़ बताना है आई के नॉट कम फॉर आई हैव माई एग्जाम्स डायरेक्शन बताना है टू वर्ड्स इन टू अपॉन एनी थिंग लाइक दैट टू इंडिकेट द सोर्स किस जगह से आ रहा है फ्रॉम भोपाल और फ्रॉम द बकेट इंडिकेट द मीन्स मतलब जैसे कि आई वेलकम बाय माई कार बाय माई कार और विथ समन अब आपको करना क्या है यहाँ पे यू हैव बीन गिवन सेंटेंसेस सेंटेंसेज पे यू हैव टू फिल इन द राइट फिलइटिशन जैसे द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू जैसे जैसी कॉल्ड मी वेटेड फॉर हाफ एन आवर हाफ आर, कितनी देर तक वेट किया फॉर हाफ एन आवर डैश वी फिनिश डिनर एंड क्लीन द डिश वी कैन गो आउट फॉर एन आइसक्रीम तो आफ्टर वी फिनिश डिनर एंड क्लियर द डिशेज वी कैन गो आउट फॉर एन आइसक्रीम The stranger stood dashed the tall trees so nobody would notice him. The stranger stood behind the tall trees so nobody would notice him. The counter will open in 10 minutes. This minute may open Hoga. We can buy the tickets then. We heard the fire alarm dash 4 this afternoon and ran dash the exit. So we heard the fire alarm at 4 this afternoon and ran towards the exit. माई सिस्टर वर्कड इन सिंगापुर अंटिल लास्ट ईयर बोट द बॉयज जम्प्ड ओवर द वॉल एंड एस्केप्ड विद द मैंगोज सो ओवर द वॉल क्यों क्योंकि उन्होंने वॉल को ऊपर जाके क्रॉस किया है द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द अदर स्कूल केम विद दअ टीचर्स द पार्टिसिपेंट्स फ्राम द अदर स्कूल अदर स्कूल से जो पार्टिसिपेंट्स आए थे वो अपने टीचर्स के साथ आए थे नाउ गाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ ओवर का सही यूज़ किया है या फॉर का सही यूज़ किया है इन सब के लिए यू कैन विजिट द प्रपोजिशंस का जो एक प्रॉपर वीडियो बनाया गया है जहाँ आपको पता चलेगा ओवर और यू you नो know, जब आप ओवर यूज़ कर रहे हो या आप ऑन यूज़ कर रहे हो तो आपको कहाँ यूज़ करना है अगर आप टू वर्ड्स यूज हो या या टू यूज कर रहे हो तो व्हाट इज द डिफरेंस ये सब बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है प्रपोजिशंस के वीडियोस में यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन जस्ट क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स ओके नेक्स्ट वी हैव रीड दीज सेंटेंसेस अलोंग विद दिस वर्ड्स केम सम स्ट्रेंज साउंड्स बिकॉज ऑफ द हाई कर्टन नो वन कुड सी द वर्क इन प्रोग्रेस नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड प्लेसो प्रसर कॉम्पलेक्स प्रिपोजिशन लाइक अलॉन्ग विध बिकॉज ऑफ ये सब क्या है इन्हें कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल वर्ड्स नहीं होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं अब यहाँ क्वेश्चन क्या है राइट सेंटेंसिस एज इंस्ट्रक्शन यूज एक्सेप्ट फॉर टू से दैट इन सेवन बी ओनली जतिन डिड नॉट गो ऑन दी एक्सकर्शन तो अब अपन को बोलना है एक्सेप्ट फॉर हमें बताना है पूरी क्लास सेवन बी में सिर्फ जतिन जो था वो एक्सकर्शन के लिए नहीं गया तो हम बोलेंगे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन बी एक्सेप्ट फॉर जतिन वेंट वेंट ऑन ऑन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेवन बी एक्सेप्ट फॉर जतिन वेंट ऑन दी एक्सकर्शन नेक्स्ट इज यूज बाय मीन्स ऑफ अब हमें यूज क्या करना है बाय मीन्स ऑफ टू से टैक्सी ड्राइवर्स लोकेट प्लेसेस इजीली विद जीपीएस तो क्या है हम क्या बोलेंगे टैक्सी ड्राइवर्स तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा टैक्सी ड्राइवर्स जस्ट सेकेंड या टैक्सी ड्राइवर्स लोकेट प्लेसेस इजीली बायस ऑफ जीपीएस क्या बोलेंगे हम इसमें आई एल राइट एट हेयर टैक्सी ड्राइवर्स लोकेट प्लेसेस इजीली बाई मींस ऑफ जी पी एस अंडरस्ट यहां हमने क्या यूज किया है बाई मींस ऑफ नेक्स्ट इज यूज इन एडिशन टू टू से दैट शी पेड हंड्रेड एक्स्ट्रा एट द रेस्टोरेंट एज सर्विस चार्जेस सो आप इसमें क्या बोलोगे दैट इन एडिशन टू इन एडिशन टू द बिल ओके इन एडिशन टू द बिल और दी पेड एंड शी पेड हंड्रेड एक्स्ट्रा ओके शी पेड हंड्रेड एक्स्ट्रा एट द रेस्टोरेंट एड सर्विस चार्जेस या आप ये भी बोल सकते हो शी पेड हंड्रेड इन एडिशन टू द सर्विस चार्जेस अंडरस्ट नेक्स्ट देख लेते

The speaker continued even after the buzzer went off. The speaker continued even after the buzzer went off. Next is, Pritha was excited because she was going to Antarctica. Something she had dashed to do all her life. Something she had yearned. Yearned botai longed for. Bahut ka tha. The policeman will reveal his identity only after the thieves are caught. पुलिस मैन विल रिवील होता है गार्डस डैश फ्रॉम दर पोस्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट है तो दार्ड्स के साथ क्या आ जाएगा द गार्ड विथ ड्रू फ्रॉम दर पोस्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट है वो वापस आ गए वहां से Mother could not tolerate the squeaky noise the old fan was making, so she switched it off. Squeaky noise का मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा गंदी सी तीखी सी noise. So she could not tolerate the squeaky noise, और इसीलिए उन्होंने fan बंद कर दिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इफ

So, मेरा भाई जो कि एक पेंटर है वो मैक्सिमम अपना फ्री टाइम अंडर द मैंगो ट्री स्पेंड करता है क्योंकि वो कहता है कि वहां पे वो अपनी इमेजिनेशन को विंग्स दे सकता है इसका मतलब वहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है ओके सो दिस इज द आंसर नेक्स्ट देख लेते डैश वर्किंग नाइट शिफ्ट इज नॉट ईजी तो यहां हम बोलेंगे इफ ट्रुथ बी टोल्ड अगर सच बात बताऊं तो रात में जो नाइट शिफ्ट करना इज नॉट इजी सो इफ ट्रुथ बी टोल्ड का मतलब क्या है अगर सच बात बताऊं नेक्स्ट है नाउ दैट द एग्जाम्स आर ओवर आई कैन रीड स्टोरी बुक्स टू माई हार्ड कॉन्टेंट नाउ दैट द एग्जाम्स आर ओवर अब ये जो स्टोरी बुक्स है उनको मैं मन भर के पढ़ सकता हूँ जस्ट वेन सुच थॉट ही वॉज डन विदोज

छुटकारा पाना चाहता है पुराने डिजाइन से अब उसको कुछ नया डिजाइन करना है नया प्रोजेक्ट करना है द ग्रेट रूलर मे हैव थॉट दैट दिस एम्पायर वुड लास्ट फॉर एवर लास्ट फॉर एवर मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा बट नथिंग रिमेन्स ऑफ हिस किंगडम नाउ एंड येस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेल सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल सी यू सोन अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो Where we are going to start with a beautiful poem, Maps. Okay? So stay tuned, stay connected. Do not forget to like, subscribe, and share. Take care, bye, and a big thank you.